ओ पाटिलो, अक्षय कुमार क्यों डर गया सलमान खान से, और क्यों शाहरुख खान ने अपने माथे पर 22 दिसंबर लिखाने की बात कही, और एलबी यादव और अभिषेक मालहान के बीच क्यों हो गया लड़ाई, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे सलमान खान से अक्षय कुमार क्यों डर गए, तो बात यह है कि अक्षय कुमार की एक मराठी फिल्म जो कि इसी साल दिवाली को रिलीज होने वाली थी वह पोस्टपोन हो गई है। और जी अक्षय कुमार ने खुद बताया कि मैं सलमान खान से डर गया हूँ उनके आने वाली फिल्म टाइगर 3 को लेकर, क्योंकि टाइगर 3 मुझे तो लगता है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। और सेकेंड इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, जहां शाहरुख खान ने अपने माथे पर 22 दिसंबर लिखवाने की बात क्यों कही। तो जी हाँ, ट्विटर पे एक फैन ने उनसे पूछा क्या फिक्स है ना 22 दिसंबर को डंकी आने वाली है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया का 2 ब्लॉकबस्टर मूवी सालार और डंकी जब 22 दिसंबर को रिलीज होगा तो कहीं हो सकता है तो डंकी के मेकर्स 22 दिसंबर का रिलीज डेट खत्म कर दे, लेकिन शाहरुख खान ने कन्फर्म कर दिया कि डंकी 22 को ही आएगी, अपने माथे पर गुदवा के भी बता दिया है। नंबर 3 इन्फॉर्मेशन, अभिषेक मालहान फुकरा इंसान जो है वो एलबी यादव से लड़ाई क्यों हो गई है उनकी, अचानक से दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि दूरियां बढ़ते चली गई। तो जी हाँ, मैं बेसिकली दोनों का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। जी हाँ, एलबी यादव को बहुत ट्रोल कर दिया गया उनकी एक्टिंग को लेकर, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनकी एक्टिंग सही थी गाने के हिसाब से। तो क्या अभिषेक सच में पीआर करवा रहे एलबी यादव का, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, और हमसे कोई शिकायत हो तो कमेंट में जरूर बताओ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, सलाम।